लोग जो हैं वो नवरात्र भी रखने का प्रयास नहीं कर पाएंगे। महंगाई को लेकर के करने का प्रयास कर रहा हूँ नवरात्रों के अंदर महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। ये पालक का रेट 100 रुपए है भैया, माइक नीचे करो। चालू का रेट 60 रुपए है, आलू 60 रुपए, और जब दूसरे त्योहार आते हैं उनके रेट फिक्स हो जाते हैं। मैं इस बात को लेकर के करने का प्रयास नहीं करना चाहता। कहते हैं हिंदुओं की सरकार, मैं भी मानता हूँ हिंदुओं की सरकार, लेकिन हिंदुओं के त्योहारों पर नवरात्रों के अंदर, अरे 100 रुपए किलो पालक, कोई पूछने वाला है क्या? 100 रुपए किलो पालक बिकेगी क्या? आलू 60 रुपए बिकेंगे, कद्दू 60 रुपए बिकेगा, और लोग क्या, इसका मतलब क्या हुआ? लोग जो हैं वो नवरात्र भी रखने का प्रयास नहीं कर पाएंगे। अरे दरियाऊ वाला आटा जो नवरात्रों के अंदर खाते हैं 160 रुपए किलो है, नवरात्र कैसे रखेंगे? लेकिन बाकी जब लोगों के त्यौहार आते हैं तब आप रेट फिक्स कर देते हैं, इसका रेट ये होगा, रेट किसी ने ज़्यादा लिया उसका, उसके ऊपर फूड एंड सप्लाई विभाग काम करेगा। तो क्या इधर गहरी निद्रा के अंदर सोए हुए हो या नींद से कूट नहीं रहे हो? मैं माननीय डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूँ कि रेट के अंदर जो इतनी वेरिएशन है ये क्यों है? कौन लोग जमाखोरी करने का प्रयास करना चाहते हैं? ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये कल का दिन दे रहा हूँ, रामनवमी का त्यौहार आ रहा है, आगे करवा चौथ आ रही है, फेनी अकदलम्बे का रेट तय करो। मनमाने ढंग से कुछ लोग इस सब बातों को लेकर के अपनाने का प्रयास करना चाहते हैं।